यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से इजाज़त लेते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहती हूँ। मैं मोदी जी को उनके पुराने दिन जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे वो याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर किसी को देश में ना घुसने दिया जाए या इजाजत मांगी जाए और ना आने दिया जाए तो मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसी तकलीफ होती है। जबकि उनके हालात अच्छे थे, वो अमेरिका घूमना जाना चाहते थे, उसके बाद अमेरिका ने उन्हें पासपोर्ट वीजा देने से मना कर दिया था, तब उनके दिल में क्या गुजरी होगी ये मोदी जी अच्छे तरह से समझते हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मोदी जी को मना किया गया था तो क्या मोदी जी आतंकवादी थे? अमेरिका ने इन्हें आतंकवादी समझकर मना किया गया था इनको, तब आज ये कैसे अच्छे आदमी हो गए? क्योंकि अमेरिका ने मना किया मतलब ये भी एक आतंकवादी ही थे। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि जब इन्हें मना किया गया इनके हालात बहुत अच्छे थे, इनके साथ लोगों की फौज थी, उसके बाद इनको ऐसा हुआ। लेकिन आज जो हमारे देश में आ रहे हैं, जिनको ये मना कर रहे हैं उनके हालात भी देखे जाएं, उनके तन में कपड़े नहीं है, पेट में दाना नहीं है, बच्चों के जख्मी, गोद के बच्चे जख्मी हो रहे हैं, और ऐसे हालात में वो क्या आतंकवाद करेंगे? आने वाले के चेहरे पे नहीं लिखा कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है, किसी ने तमगा नहीं लगा हुआ है, लेकिन उनको ये आतंकवादी बता रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि जो इंसान ऐसे जख्मी, भूखे, नंगे लोगों को आतंकवाद घोषित कर सकता है, उससे ज्यादा खराब इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता, उससे ज्यादा बेकार और कमजोर इंसान कोई नहीं हो सकता मेरी नजर में है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो वर्मा से लोग आ रहे हैं वो सब वीडियोस, फोटोज आप लोगों ने देखे हैं, उनके हालात आप लोगों से छुपे नहीं हैं। उनकी इस लड़ाई के लिए आज हम लोग जो रोड पर निकले हैं, आज हमारे आरिफ भाई ने, आरिफ मसूद साहब ने जो ये जलसा रखा है, जो रोड पर हम सब आकर इतनी तपती हुई गर्मी में बैठे हैं, तो अब हम लोगों को उनके लिए लड़ाई आगे बढ़ानी है और भाई आरिफ भाई के कंधे से कंधा मिलाकर और इस लड़ाई को रोहो इंडिया की लड़ाई नहीं, हिंदुस्तान के हर उस इंसान की लड़ाई है जिसके दिल में इंसानियत जिंदा है, जिसके दिल में मानवता जिंदा है, हर उस इंसान की लड़ाई है और ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो ये लोग सत्ता पाकर अपने आप को बहुत अच्छा बता रहे थे, अच्छे दिन की बात कर रहे थे, आज कितने बुरे दिन ला दिए हैं कि लोगों को यहाँ पर पनाह तक नहीं मिल रही है। लोग यहाँ पर जहाँ पर इंसानियत की बात होती थी, जिस देश की संस्कृति में मानवता जगती थी, वो देश की संस्कृति को बचाने के नाम पर देश की संस्कृति समाप्त करते जा रहे हैं। हमारे देश को पूरे विश्व में जाना जाता है तो सिर्फ देश की संस्कृति के नाते जाना जाता है, देश में रहने वाले लोगों की मोहब्बत के नाम से जाना जाता है, जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। विदेशों में करोड़ों के बीच में भी बैठा हुआ इंसान पहचान लिया जाता है वो अपनी संस्कृति से, वो अपनी आदत से कि ये इंसान भारत से आया हुआ है, क्योंकि ये एक मोहब्बत वाला इंसान है, मोहब्बत बांटने वाला इंसान है। तो आज ये मोदी जी कैसे भूल गए, आज ये मोदी जी के दिल में कैसे रहम नहीं है इन रोहिंग्या वालों के लिए, और किस तरह से ये उन पर अत्याचार कर रहे हैं, तो ये क्या माना जाए कि ये इंसानों को नहीं इंसानियत को मार रहे हैं, मानवता को नहीं मानवता को मार रहे हैं, और इसके खिलाफ हम सब इकट्ठे हुए, इसके लिए हम सबका बहुत बहुत
साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहती हूँ कि लिबास है पार साई से, ये भले ही कितने अच्छे